नमस्ते किसान साथियों, मैं बोल रहा हूँ सन्नी, और आप लोग देख रहे हैं सन्नी चस ऑफिशियल। और सन्नी चस ऑफिशियल पे आप सभी किसान साथियों को स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मुर्गी की वैरायटी के 5 वैरायटी के बारे में बताएंगे, और वो उनकी विशेषता बताएंगे, जो कि पार्ट 2 लेकर इस वीडियो पे लेकर आ रहा हूँ। और इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 दिखाएं, तो पार्ट 2 में आप लोग को मुर्गी यानी 5 मुर्गी की विशेषता बताएंगे, वो कौन कौन से मुर्गी हैं उसके बारे में शुरू से एंड तक बताएंगे। और आप लोग इस वीडियो पे शुरू से एंड तक बने रहिए। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट भी, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो साथियों, जैसे हम लोग जानते हैं कॉकरेल जो एक वैरायटी है मुर्गी की, जो कॉकरेल की जो वैरायटी है वो उसकी चूजे जो हैं, चूजे की कलर किया जाता है, और उसकी चूजे जो हैं बहुत ही सस्ते में मिलता है, जिससे किसान लोग क्या करते हैं कि किसान लोग उसको सस्ती है तो इसीलिए उसको पलते हैं। जैसे उससे जैसे ही बड़ा होने लगते हैं तो उनकी कलर कलर जो है, रंग जो है मुर्गी के, वो वाइट कलर के होते हैं, जिसमें दूसरा मुर्गी के होते हैं जो इतने वाइट नहीं होते, लेकिन पहचानने में बहुत ही आसान होते हैं। और ये जो मुर्गी हैं ये कम से कम 85 से 90 दिन में ये 1 केजी का हो जाते हैं, और एक साथ ये मुर्गी बिक जाते हैं, जिसके कारण किसान लोग क्या करते हैं कि इसको पालने के लिए आसान लगते हैं और पालते हैं। ये दूसरे नंबर पे आते हैं जैसे कड़कनाथ जो मुर्गी हैं, क्या होते हैं किसान साथियों, कड़कनाथ की चूजे अगर देखेंगे, अगर आप लेने जा रहे हैं चूजे, तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या कि वो जो कड़कनाथ पूरी तरह से ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक रंग होते हैं, तो वो जो है थोड़े महंगे होते हैं, और वो कम से कम 4 महीने में 1 केजी का वजन गेन कर लेता है। लेकिन क्या करना किसान साथियों, इसलिए कड़कनाथ मुर्गी जो है पलते हैं, क्योंकि कड़कनाथ जो है थोड़े महंगे हैं, परंतु इसकी ऐसा सुने हैं कि इसमें जो है डायबिटीज या हार्ट की मरीजों के लिए इलाज होता है। जैसे इस मुर्गी में प्रोटीन या आयरन की मात्रा अधिक होते हैं, और ये महंगे भी होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है कि अभी जो हर जगह में, भारत की हर जगह में देखने को मिलता है, जैसे बहुत ही कम पाला जाता है। जैसे तीसरे नंबर पे के किसान साथियों जैसे आते हैं आपका ब्लैक एस्टोलर। ब्लैक एस्टोलर एक ऐसा मुर्गी है जिसमें जो कि चूजे जो है वो क्या होते हैं, चोंच के नीचे जो है हल्का सफ़ेदी होते हैं, और वो सफ़ेदी क्या करते हैं कि जैसे ही बड़े होते जाते हैं चूजे, तो वो उसका सफ़ेदी ख़त्म हो जाता है। और ये जो है ब्लैक एस्टोलर जो मुर्गी हैं, उसमें जो है मुर्गी या मुर्गे में कोई अंतर नहीं होते, दोनों सेम ही लगते हैं, उसकी कलगी की ताज जो है, और वो जो है सेम मुर्गी का भी होता है और मुर्गा का भी होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि उसको पहचानने के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं किसान साथियों। इसमें क्या है कि जो ब्लैक एस्टोलर मुर्गी है वो है जो कि हमारे भारत या पूरे विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाले हैं, और ये 365 दिन में 364 अंडे देने का खिताब मिला हुआ है, जिससे किसान साथियों इसको मेन इसलिए पाला जाता है, इसको अंडे की पर्पस के लिए इसको पाले जाते हैं। साथियों ये जो है आपकी ये 2 महीना तक में, ये 2-3 महीना में, ये 5 महीना तक में आपको ये अंडे देने के लायक हो जाते हैं। इसके बाद क्या होने लगती है साथियों, जैसे ये जो मीट के पर्पस से भी इसको बेचा जाता है, और प्लस में इसको अंडे के पर्पस से भी, बहुत ही किसान साथियों को इसको पालने से अंडे से बहुत ही मुनाफा करते हैं। और क्या होते हैं कि लेकिन आपको ये मुर्गी पालन यानी सिखा हुआ आना चाहिए, तभी आप इसको 365 दिन में 364 अंडे ले सकते हैं मुर्गी से। इसके बाद साथियों क्या होते हैं, इसके से चौथा नंबर पे आते हैं आपका FFG या FFG। ये जो मुर्गी है इसको अधिकतर मीट की पर्पस से पाला जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी है किसान लोग को पालने के लिए बहुत ही आसान लगते हैं। और क्या होते हैं कि किसान लोगों को जो मुर्गी पालक हैं वो जो है बहुत मुनाफा इस मुर्गी को पालन करके
बहुत मुनाफा कमाते हैं। जैसे ये मुर्गी जो है आप 75 दिन में ये 2 केजी का हो जाते हैं और ये आसानी से बिक जाता है मुर्गी, जिसे लिए ये FFG या FFG, इसलिए इसको मीट की पर्पज से पाला जाता है। साथियों 5वां नंबर पे आते हैं आपका देसी मुर्गी, और देसी मुर्गी जो है बड़े से फार्म में नहीं पाला जाता है, इसलिए नहीं पाला जाता है किसान साथियों। ये जो मुर्गी है आपका 150 दिन में ये 1 केजी हो जाते हैं, तब तक में किसान लोग तो सोनाली मुर्गी 2 लोट बेच चुके होते हैं, इसीलिए इसको बड़े से फार्म या बड़े से फील्ड में इसको नहीं पाले जाते हैं। और इसकी मेन विशेषता यह है कि मुर्गी जो है अंडा देती है, और अंडा से खुद ब्रीडिंग करके उसको चूजे निकालते हैं, और चूजे तब तक नहीं छोड़ते हैं उसको जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक वो अपने साथ ही पलते, जैसे 2 महीना के बाद वो जो है चूजे अपने माँ से उसको हटाते हैं और बाद में फिर से मुर्गी जो है अंडा देने शुरू कर देते हैं। और इसकी जो मुर्गी है, ये जो मुर्गी है अधिकतर गांव देहात में पाले जाते हैं, छोटे मोटे किसान पाले जाते हैं, जैसे 5-6-10 गो में पाला जाता है, लेकिन बड़े से इसको फार्म करके इसको नहीं पाला जाते हैं, इसलिए नहीं पाला जाता है क्योंकि इससे किसान लोगों का ही नुकसान है और इसमें बीमारी तो नहीं देखने को मिलता, फिर भी इसको नहीं पाला जाता। तो साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग समझ गए, इससे पहले आप लोग को इससे पहले मुर्गी का जो है पार्ट 1 लेकर आए थे, उसमें बताए थे कि मुर्गी पालन जो है आपको किस तरह से करना चाहिए और कितनी पूंजी से शुरू कर देने से आपको फ़ायदा होंगे अगर किसान बिल्कुल ही नए हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखें मुर्गी की कुछ वैरायटी है के बारे में बताएं, उनकी क्या विशेषता है। तो अब इनके बाद जो पाठ 3 लेकर आएंगे किसान साथियों, उसमें आप लोग को ये बताएंगे कि मुर्गी की जो है जैसे ठंडी या गर्मी में कौन कौन सी बीमारी होते हैं, उस बीमारी के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ, और अगले वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए यहीं पर आज की वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।